वेलकम टू टू केमिस्ट्री क्लास आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्जो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस के बारे में और इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स के बारे में और साथ में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रुप सेवेंटीन तो स्टार्ट करते हैं ऑक्जो एसिड्स ऑफ हेलोजें सारे हाइलोजेंस ऑक्जो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं फ्लोरिन का साइज छोटा होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एलिमेंट है और उसके पास वैकन डी और वाइटल नहीं होता है इसीलिए वो सिर्फ एक टाइप ऑफ ऑक्जो एसिड का फॉर्मेशन करता है जो है आपका एच ओ एफ जिसे हाइपोफ्लोरस एसिड कहते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा बाकी सारे जो आपके एलिमेंट हैं ग्रुप सेवेंटीन के क्लोरीन ब्रोमीन आइडीन वो और भी ऑक्जो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है थीके? तो ये है आपके ऑक्जो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्जो एसिड है हाइपोहैलस एसिड जिसमें आपके सेंट्रल एटम जो है हाइलोजन उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा प्लस वन फॉर एग्जांपल फ्लोरीन बनाएगा एच ओ एफ एसिड क्लोरीन एच ओ सी एल एसिड ब्रोमीन एच ओ बी आर हाइपोब्रोमस एसिड और आयोडीन बनाएगा एच ओ आई जिसे कहेंगे हाइपो आयोडस एसिड सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्जो एसिड है हैलस एसिड जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस थ्री फ्लोरिन ब्रोमिन और आयोडिन हैलस एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता है सिर्फ क्लोरीन बनाता है और क्लोरीन के हैलस एसिड का नाम है क्लोरस एसिड जिसका फॉर्मूला होता है एच और एच टू थर्ड टाइप ऑफ ऑक्जो एसिड है हैलिक एसिड इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस फाइव क्लोरीन के हैलिक एसिड का नाम है क्लोरिक एसिड ब्रोमीन ब्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और आयोडीन आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन करता है ठीक है फोर्थ टाइप ऑफ ऑक्जो एसिड है हेलोजन के पर हैलिक एसिड इस टाइप ऑफ एसिड में सेंट्रल आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस सेवन तो क्लोरीन पर क्लोरिक ऑक्जो एसिड का फॉर्मेशन करता है ब्रोमीन पर ब्रोमिक और आयोडीन पर आयोडिक तो ये थे फोर टाइप ऑफ ऑक्जो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्जो एसिड्स ऑफ डिफरेंट हेलोजेंस हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज विथ इंक्रीज़ इन अटोमिक नंबर तो आपके जो ऑक्जो एसिड्स हैं डिफरेंट हेलोजेंस के उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है आपका अटोमिक नंबर अगर एक टाइप ऑफ ऑक्जो एसिड ले फॉर एग्जाम्पल ये आपका हाइपो हैलस टाइप ऑफ एसिड है हाइपोक्लोरस हाइपोग्रोमस और हाइपो आयोडस इन तीनों में जो आपके सेंट्रल आइटम हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है दैट इज प्लस वन प्लस वन और प्लस वन तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कौन सा एसिड सबसे स्ट्रांग है और कौन सबसे वीक है ये बताएगा उनके सेंट्रल आइटम का अटोमिक नंबर तो इन तीनों एसिड में सबसे स्ट्रांग एसिड होगा एच ओ सी एल और सबसे वीक होगा एच ओ आई क्योंकि सी एल का अटोमिक नंबर बी आर और आई से सबसे कम होता है ठीक है नेक्स्ट अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्जो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के जो चार टाइप ऑफ ऑक्जो एसिड्स हैं ऑफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव और प्लस सेवन उनके स्ट्रक्चर्स तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका एच ओ सी एल यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर है और सेकेंड है आपका एच ओ सी एल ओ और एच सी एल ओ टू दैट इज क्लोरस एसिड इसका स्ट्रक्चर है ये थर्ड है आपका एच ओ सी एल ओ टू और एच सी एल ओ थ्री दैट इज क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर और फोर्थ है आपका एच ओ सी एल ओ थ्री और एच सी एल ओ फोर दैट इज़ पर क्लोरिक एसिड ये उसका स्ट्रक्चर है ठीक है तो ये है आपके स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्जो एसिड्स ऑफ क्लोरीन हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक और परक्लोरिक एसिड नेक्स्ट आज के क्लास का सेकेंड टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हेलोजन रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला एक्स एक्स डैश वेयर एक्स इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन दैट इज हेलोजन ऑफ लार्ज साइज वाइल एक्स डैश इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन दैट इज हेलोजन ऑफ स्मॉलर साइज तो इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है वो दो हेलोजन आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे जो कम्पाउंडस उनको कहते हैं जिसमें दोनों आपके हेलोजेंस ही हैं एक हेलोजन है आपका लार्जर इन साइज और दूसरा हेलोजन है आपका स्मॉलर इन साइज जो लार्जर होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जो स्मॉलर होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगा ठीक है नेक्स्ट अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पर तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो है आपके वो चार टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन दैट इज प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव और प्लस सेवन उसके हिसाब से ये चार टाइप ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स हैं फर्स्ट एक्स एक्स डैश सेकेंड एक्स एक्स डैश थ्री थर्ड एक्स एक्स डैश फाइव और फोर्थ एक्स एक्स डैश सेवन तो ये है आपके कुछ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स के एग् टाइप और उनके एग्जाम्पल्स ठीक है नेक्स्ट अब आते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स पर जिसमें फर्स्ट टाइप है आपका एक्स एक्स डैश थ्री टाइप जिसमें एक्स आपका सी एल हो सकता है बी आर हो सकता है या फिर आई एग्जाम्पल्स सी एल एफ थ्री बी आर एफ थ्री आई एफ थ्री और आई सी एल थ्री तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एक्स डैश थ्री टाइप मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल सी एल एफ थ्री सेम स्ट्रक्चर आपका बी आर एफ थ्री के लिए होगा आई एफ थ्री के लिए भी होगा और आई सी एल थ्री के लिए भी होगा ठीक है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एस पी थ्री डी और इस मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा टी शेप ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये टी शेप्ड है जिसमें आपके थ्री बॉन्ड पेयर है और टू लोन पेयर है सेकेंड टाइप है सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका एक्स एक्स डैच फाइव टाइप का जिसमें एक्स सी एल हो सकता है बी आर हो सकता है और आई फॉर एग्जाम्पल बी आर एफ फाइव आई एफ फाइव और सी एल एफ फाइव तो ये है आपके स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एक्स एक्सडेक्स फाइव टाइप फॉर एग्जाम्पल बी आर एफ फाइव का स्ट्रक्चर है ये ऐसे ही स्ट्रक्चर आपका आई एफ फाइव का भी बनेगा और सी एल एफ फाइव का भी बनेगा ठीक है, है इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन है एस पी थ्री डी टू और शेप है स्क्वायर पिरामिडल ठीक है इसमें आपके फाइव बॉन्ड पेयर है और वन लोन पेयर है ठीक है और थर्ड है आपका एक्स एक्स एक्सडेक्स सेवन टाइप जिसमें एक्स आपका आई है और इसका एक ही एग्जाम्पल है आई एफ सेवन ये है आपके आई एफ सेवन का स्ट्रक्चर ये एक रेगुलर ज्योमेट्री है जिसमें आपके मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन है एस पी थ्री डी थ्री और शेप है पेंटागोनल बाई पिरामिडल ठीक है इसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर है एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ग्रुप 17 और उसके कंपाउंड्स कंप्लीट हो गए हैं नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेलोजेंस एंड देयर कंपाउंड दैट इज ग्रुप सेवनटीन उनके प्रॉपर्टीज और उनके कंपाउंड से रिलेटेड ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप सेवनटीन विथ रेस्पेक्ट टू देर ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बी ऑक्सीडेशन स्टेट सी एटोमिक रेडियाई डी एलैक्ट्रोनिगेटिविटी और ई आयनाइजेशन एनर्जी तो ये है आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स उनका अटोमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है एन एस टू एन पी फाइव ठीक है तो हर एलिमेंट के बैलेंशल में सेवन इलेक्ट्रॉन होगा ठीक है सेकेंड है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट तो हाइड्रोजन्स आपके दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नेगेटिव आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है माइनस वन और पॉजिटिव रेंज करता है फ्रॉम प्लस वन टू प्लस सेवन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप सेवनटीन का माइनस वन और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस सेवन थर्ड है आपका एटोमिक रेडियाई तो हेलोजेंस स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल तो सबसे छोटा आपका जो साइज होता है वो हेलोजन का होता है अलोंग द पीरियड ठीक है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस ऑफ हलाइड आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम एटम से उसके जो आयन है उसका रेडियस बड़ा होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा और टॉप टू बॉटम आपके एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेंगे फ्रॉम फ्लोरिन टू आय ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल लेफ्ट टू राइट डिक्रीज और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेंगे ठीक है नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हेलोजेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्राम फ्लोरिन टू आरडीन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ आइटम्स तो हेलोजेंस पूरे प्रोडिक टेबल में सबसे हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स हैं और टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे फ्रॉम फ्लोरीन टू आर्डीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ आइटम्स तो फ्लोरीन ग्रुप सेवनटीन का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और आर्यडीन सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ठीक है और लास्ट है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजेंस आर वेरी हाई नेक्स्ट टू इनर्ट गैस इन ईच पीरियड और मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज फ्राम फ्लोरिन टू आयोडीन तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइेशन एनर्जी इंक्रीज करती है क्योंकि आपके आटम का साइज डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम आयोनाइेशन एनर्जी डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज फ्रॉम फ्लोरिन टू आयोडीन नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग बाई क्लोरीन इज परमानेंट वाइल ब्लीचिंग बाय सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्प्रेरी एक्सप्लेन तो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन टेम्प्री होता है एक्सप्लेन ठीक है क्यों क्लोरीन ब्लीचेस कलर्ड मटेरियल बाय ऑक्सीडेशन ठीक है तो क्लोरीन ऑक्सीडेशन के थ्रू मटेरियल्स को ब्लीच करता है सी एल टू प्लस एच टू ओ विल गिव यू टू एच सी एल प्लस ओ ऑक्सीजन तो कलर्ड मटेरियल विथ नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करके उस मटेरियल को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है ठीक है हैंस ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट बाय क्लोरीन क्योंकि ये ब्लीचिंग एक्शन आपके ऑक्सीडेशन के थ्रू हो रहा है ठीक है ऑन द अदर हैंड एस ओ टू दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीच इज द कलर्ड मटीरियल बाई रिडक्शन एस ओ टू प्लस टू एच टू विल गिव यू एच टू एस ओ फोर प्लस टू नेसेंट हाइड्रोजन कलर्ड मटेरियल इस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके मटेरियल को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है लेकिन इस कलरलेस मटेरियल को अगर ऑक्सीडाइज कर दे ऑक्सीडेशन करा दे थ्रू ऑक्सीडेशन वो वापस कलर्ड मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है कन्वर्ट हो जाता है ठीक है हैंड्स ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज टेम्प्रेरी क्योंकि ये रिडक्शन की वजह से होता है इसलिए ये टेम्प्रोरी होता है और क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन आपके ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है इसीलिए परमानेंट होता है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव ठीक है तो इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव दैन हेलोजें बिकॉज द बॉन्ड इन इंटर हेलोजन दैट इज एक्स एक्स डैश इज वीकर दैन एक्स एक्स एंड एक्स-डैश एक्स-डैश बॉन्ड इन हेलोजें ड्यू टू लेस ओवरलैपिंग बिटवीन और बाइटल ऑफ डिसिमिलर एटम्स दैन बिटवीन सिमिलर एटम्स तो आपके जो इंटरहाड्रजन कंपाउंड्स हैं वो आपके हेलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि जो इंटर हाइड्रोन कंपाउंड के बीच में बॉन्ड होता है एक्स एक्सडैश वो वीक होता है इन कम्पेरिजन टू द एक्स एक्स और एक्स डैश एक्स डैश बॉन्ड ऑफ हेलोजेंस ठीक है एक जैसे के बॉन्ड्स इसीलिए आपके एंटाजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं दैन हेलोजेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रिपेयर सी एल टू दैट इज क्लोरीन फ्रॉम एच सी एल एंड एच सी एल फ्रॉम सी एल टू ठीक है तो क्लोरिन दैट इज सी एल टू को प्रिपेयर करना है एच सी एल से और सी एल टू से एच सी एल को प्रिपेयर करना है ठीक है एच सी एल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू सी एल टू बाई अ नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एम एन ओ टू के एम एन ओ फोर और के टू सी आर टू ओ सेवन ऑक्सीडाइज करके एच सी एल सी एल टू में कन्वर्ट किया जा सकता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल एम एन ओ टू प्लस फोर एच सी एल विल गिव यू एम एन सी एल टू प्लस सी एल टू प्लस टू एच टू ओ ठीक है एंड द अदर पार्ट है सी एल टू दैट इज क्लोरिन कैन बी रेड्यूज टू एच सी एल बाई रिएक्शन ऑफ एच टू इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आपके एच सी एल का प्रिपरेशन हो जाता है ठीक है एच सी एल फॉर्म करता है तो एच सी एल से सी एल टू इस तरह से प्रिपेयर होगा और सी एल टू से एच सी एल इस तरह से प्रिपेयर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ नंबर वन सी एल एफ थ्री नंबर टू बी आर एफ फाइव और नंबर थ्री आई एफ सेवन तो ये है आपके सी एल एफ थ्री का स्ट्रक्चर जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है एस पी थ्री डी और शेप है टी शेप्ड ठीक है यह है आपके बी आर एफ फाइव का स्ट्रक्चर जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है एस पी थ्री डी टू और इस का होता है स्क्वायर पिरामिडल और यह है आई एफ सेवन का स्ट्रक्चर जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है एस पी थ्री डी थ्री और मॉलिक्यूल का शेप होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बी आर एफ थ्री एच ओ सी एल ओ टू एंड आई एफ फाइव इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाना है ठीक है तो ये है आपके स्ट्रक्चर ऑफ बी आर एफ थ्री एच ओ सी एल ओ टू एंड आई एफ फाइव और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एन एस सी एल प्लस एच टू एस फोर प्लस एम एन ओ टू सेकेंड एच सी एल प्लस ओ थ्री थर्ड आई टू प्लस एच टू ओ प्लस सी एल टू फोर्थ ए जी एन ओ थ्री प्लस एच सी एल और फिफ्थ के एम एन ओ फोर प्लस एच सी एल और ये है आपके कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशंस ठीक है तो ग्रुप सेवनटीन आपका कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक के लास्ट ग्रुप दैट इज़ ग्रुप एटीन नोबल गैस और इनर्ट गैस ठीक है तो आज के क्लास के लिए इतना ही ओके थैंक यू